29 अप्रैल 2020 को एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरने वाला है और इसके इम्पैक्ट से हम सब खत्म हो जाएंगे, मतलब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ। तो क्या ये खबर वाकई में सच है? बिल्कुल भी नहीं। इस एस्ट्रॉइड का नाम है 1998 OR2 और ये मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया है। इसका साइज लगभग 4.1 किलोमीटर बताया जा रहा है और साइंटिस्ट की माने तो ये पृथ्वी से करीब 62 लाख किलोमीटर दूर से ही निकल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम और आप इस एस्ट्रॉइड से बिल्कुल ही सेफ और सिक्योर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एस्ट्रॉइड 1998 OR2 अगर सच में पृथ्वी पर गिरने वाला होता तो इससे हमें क्या क्या और किस हद तक का नुकसान हो सकता था? क्या एक 4.1 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड सच में पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है? चलो मान लेते हैं कि यह एस्ट्रॉइड हमारे ही देश भारत के कैपिटल दिल्ली के आसपास गिरने वाला है, तो अब आगे क्या? यह एस्ट्रॉइड कितने बड़े एरिया में इम्पैक्ट करने वाला है और कितने लोगों की जान इससे जाने वाली है? और क्या कोरोना और पॉल्यूशन से पहले ही परेशान दिल्ली वाले स्पेस से आई इस आफत के अटैक को झेल पाएंगे या नहीं? वेल, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वाकई में इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स फाइंड आउट। आज से करीब 6.6 करोड़ ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी पर चिक्सुलब नाम का एक एस्ट्रॉइड गिरा था। ये वही एस्ट्रॉइड था जिसने कुछ ही समय में पृथ्वी से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। अंदाजन इस एस्ट्रॉइड का साइज 11 किलोमीटर से लेकर 81 किलोमीटर के बीच माना जाता है और इसका मास 10^15 से लेकर 4.6×10^17 किलोग्राम तक के बीच माना जाता है। जब ये पृथ्वी पर टकराने वाला था तो इसकी स्पीड करीब 18 किलोमीटर पर सेकंड थी। और जानते हैं कि जब ये पृथ्वी से टकराया था तो इससे कितनी सारी एनर्जी रिलीज हुई थी? आज तक का सबसे बड़ा और पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब सार बॉम्ब रशिया ने बनाया था। इसको डेटोनेट करते समय इसमें से करीब 2.4×10^17 जूल्स की एनर्जी निकली थी। ये एनर्जी उतनी ही है जितनी 50 मेगाटन TNT एक्सप्लोजन से निकलेगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये इतनी एनर्जी है जिससे आप 100 वाट के एक बल्ब को लगातार 8 करोड़ साल तक जला सकते हो। जस्ट इमेजिन, ये कितनी ज्यादा एनर्जी थी। अब ये सुनिए, चिक्सुलब इंपैक्ट से हुई एनर्जी सार बॉम्ब की एनर्जी से 20 लाख गुना ज्यादा थी। यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला में चिक्सुलब नाम के जगह पर गिरा था और इसका इंपैक्ट, मतलब कि इसके जमीन से टकराने की वजह से यहां पर करीब 150 किलोमीटर लंबा क्रेटर बन गया था जिसकी डेप्थ करीब 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्टडी से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस इंपैक्ट के 10 सेकंड के अंदर ही 1000 किलोमीटर रेडियस के सारे जीव और सारे पेड़ पौधे जलकर खत्म हो गए होंगे। इतना ही नहीं, इससे निकली हीट की वजह से कई 100 किलोमीटर दूर तक के जीवों को काफी नुकसान पहुंचा होगा और जंगलों के एक बड़े हिस्से में आग लग गई होगी। इतने बड़े साइज के एस्ट्रॉइड की वजह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी इसका काफी असर पड़ा होगा और शॉक वेव्स की वजह से दुनिया भर में लगभग 10.1 रेक्टर स्केल का भूकंप आया होगा। इस भूकंप की इंटेंसिटी ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक जो सबसे खतरनाक भूकंप एक्सपीरियंस किया है उससे बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से दुनिया भर के समुद्रों में कई मीटर ऊंची सुनामी और कई सारे वोल्केनोज एक्टिव हो गए होंगे। चारों तरफ राख और धूल का मंजर होगा, आसमान में अंधेरा छा गया होगा और ऐसा लग रहा होगा मानो पृथ्वी का अंतिम समय आ गया है। चिक्सुलब एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट के कई दिनों तक सर्दी का मौसम आ गया होगा और इसके बाद अचानक से आई गर्मियों ने पृथ्वी के जीवों पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि डायनासोर सहित बहुत सारे, मतलब करीब 80% स्पीशीज उसी वक्त खत्म हो गए। इस इंपैक्ट की वजह से पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड भी अफेक्ट हुई थी, वो करीब 8.3 मिलीसेकंड से चेंज हो गई थी। ये बात तो क्लियर है कि अगर चिक्सुलब जैसा कोई विशाल एस्ट्रॉइड दिल्ली या इसके आसपास गिर जाए तो भारत क्या, पूरा एशिया या फिर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बच पाएगा, और अगर कोई बच भी गया तो वो उसके आफ्टर इफेक्ट से तो मर ही जाएगा। चलिए अब हम वापस अपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब चिक्सुलब की जगह अगर 1998 अभी हमारे दिल्ली शहर में गिर जाता है तो क्या होगा? अब जैसा कि हमने देखा कि इन दोनों ही एस्ट्रॉइड्स के बीच साइज का काफी बड़ा अंतर है। 1998 OR2 चिक्सुलब एस्ट्रॉइड से काफी ज्यादा छोटा है और क्लियरली इसका इम्पैक्ट भी उससे काफी हद तक कम होगा, लेकिन कितना? क्या ये दिल्ली जैसे शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी होगा? 1998 OR2 की स्पीड ऑलमोस्ट
20 किलोमीटर पर सेकंड है। जब ये जमीन से टकराएगा तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट 27 से लेकर 41 किलोमीटर लंबा क्रेटर बनने वाला है और इस क्रेटर की गहराई करीब 9 से 10 किलोमीटर के बीच में होगी। मतलब ये एस्ट्रॉइड दिल्ली जैसे बड़े शहर के कम से कम आधे इलाके को तो पूरी तरह से क्रेटर में बदल देने वाला है। ये एनर्जी सार बॉम्ब के डेटोनेशन से निकलने वाली एनर्जी से 4 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये चिक्सेलोब एस्ट्रॉइड से हुई टक्कर के कंपैरिजन में 5 गुना कम ही होगी। दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर के रेडियस में जो भी कुछ होगा वो जलकर खत्म हो जाएगा। हर इंसान, हर जानवर, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचेगा। 2015 में नेपाल और भारत के कुछ इलाकों में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इसमें करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 21000 लोग इंजर्ड भी हुए थे। ये भूकंप रेक्टर स्केल पर करीब 7.8 नापा गया था, लेकिन अगर 1998 OR2 पृथ्वी पर गिरता है तो इसकी वजह से कम 9 पॉइंट का रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक तो आ ही सकता है। इनसे प्रोड्यूस हुई शॉकवेव की वजह से ओशियन में करीब 100 मीटर तक की ऊंची सुनामी आ सकती है। एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट से निकलने वाले स्टोन्स और रॉक्स आसमान में कई 100 किलोमीटर तक ऊपर उड़ने लगेंगे और वो ग्रेविटी की वजह से दोबारा मीटियोराइड की तरह पृथ्वी पर बरसने लगेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी काफी चेंजेस आने लगेंगे और 600 किलोमीटर पर आर से भी तेज हवाएं चलने लगेंगी। जस्ट फॉर कंपैरिजन, आज तक की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड विंड स्पीड करीब 408 किलोमीटर पर आर है। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये हवाएं कितनी तेज होंगी और ये क्या क्या उड़ाकर ले जा सकती हैं। हमने पास्ट में देखा है कि हवा यानी कि तूफान क्या कर सकता है। इस घटना के सिर्फ 1 से 2 घंटे में ही दुनिया की आधी पॉपुलेशन मतलब के करीब करीब 4 बिलियन लोग खत्म हो जाएंगे और बाकी दुनिया के लोग अगर बच भी गए तो उन्हें ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो मैंने और आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरी दुनिया के आसमान पर कम से कम 15 दिनों तक धूल और राख की चादर छा जाएगी। मतलब हम सूरज को करीब 15 दिनों तक ठीक से नहीं देख पाएंगे, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। हमारे जंगल और हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पर इसका बहुत ही गहरा असर होगा। दुनिया भर में खाने की कमी होने लगेगी और फ्रेश वाटर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज तो किसी तरह फिर भी अपने सिटीजंस के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेंगी, लेकिन गरीब देशों में न जाने कितने लोग भूख और बिना रोजमर्रा की चीजों की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। ऑल इन ऑल, इस भयंकर समय के बाद धरती पर लगभग 30 से 35% से ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो कहते हैं ना, लाइफ इज अ सर्कल। कई थ्योरीज में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर लाइफ किसी कॉमेट के जरिए शुरू हुई थी और देखिए ना, एक एस्ट्रॉइड उसे छीनने की पावर रखता है। बट वेट, ये सारी बातें बिल्कुल हाइपोथेटिकल हैं। ये बस एक तरह से फन एक्सपेरिमेंट था। हमने कुछ पुराने डेटा को लिया और उन्हें इस सिनेरियो से कंपेयर करके कुछ नया डेटा बनाया। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और दूर दूर तक कई सालों में भी नहीं होने वाला, सो चिल करो। बट हाँ, अभी किसी भी तरह के क्लोज कॉन्टेक्ट मतलब के हैंडशेक या फिर किसी दोस्तों के साथ पार्टी करना, इन सबको अभी कुछ दिनों तक अवॉइड करो। आप जानते हो क्यों? अच्छा, अगर धरती 29 अप्रैल को खत्म होने वाली होती तो आप कौन सा ऐसा काम करते जो आप मरने से पहले करना चाहते हो? पर्सनली मैं बहुत सारा पिज्जा खाता और घर बैठ के गेम खेलता और आप लोगों को ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता। आप लोग क्या करते हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।